वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, जो कि चल रहा था फुटबॉल टूर्नामेंट का, जो आज फाइनल मुकाबला है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बनते हैं मेरे इस ब्लॉग पे। देखिए, मैदान पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। देखिए, अभी हमारे माननीय विधायक किशन कुमार दास जी का आगमन हुआ है। नमस्कार सर, नमस्कार सर। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री किशन कुमार दास जी का आगमन हो चुका है। जोरदार ताली हो रहे उनके लिए। कदकम सांडी बनाने आरब हुसैन के टीम को स्वागत के साथ ही खेल मैदान में प्रवेश किया जाएगा। और ध्यान देंगे हमारे अतिथिगण जिस प्रकार से आप सम्मानित के साथ उपस्थित हैं, बैठे हैं, इसी प्रकार से आप मैदान में जाएंगे और उसी उस जगह से लौटने के बाद अपनी अपनी जगह को उसी प्रकार से ग्रहण करेंगे ताकि अतिथियों में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हम लोग एक अच्छे सम्मानित के साथ इस मैदान से निकलेंगे। और कुमार, आप सभी के बीच जर्सी अन्य खेल सामग्री का वितरण करेंगे। ध्यान देंगे सभी कलाकार साथियों बहने, आप अभी रुकेंगे, आपके लिए नाश्ता का। जो भी कलाकार साथियों भाग लिए थे, आप से भी निवेदन है आप खेल मैदान में प्रवेश करने का कष्ट करेंगे। जो भी कलाकार अभी भाग लिए थे, जो भी भाई बहन भाग लिए थे, आप से निवेदन है आप खेल मैदान में प्रवेश करने का कष्ट करेंगे। अतिथि अध्यक्ष महोदय आप रुकेंगे, अध्यक्ष महोदय आप रुकेंगे। आप पूरे टूर्नामेंट कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग किया गया है, आप अगर देखना चाहें तो आप यूनाइटेड चतरा एफसी यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तालियों के साथ सभी दर्शक उपस्थित अतिथियों का स्वागत करेंगे। जी हाँ, संगीत कार्यक्रम संडे
4 अक्टूबर को शहीद जय मंगल पांडे नादिर अली का फांसी तालाब में उनको चढ़ा दिया गया था, उनके लिए हम लोग नमन करेंगे इस खेल के लास्ट में। तो देखिए खेल शुरू हो गया है, हारा को शाही बनाम कटकम साड़ी, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। आप के अपने सारा सौलागिरी आप मंच पर रखेंगे, कमेटी के सभी बॉल और मेडल और व्यवस्था और जो गाड़ी इधर उधर लगी हुई है उनसे निवेदन होगा, कृपया आप देख करके गाड़ी लगाएं ताकि हमारे आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इस तरीके से कटकम साड़ी बनाम आरा भुसाई के बीच महामुकाबला और ये 30-30 मिनट का खेल। और इस तरीके से 30-30 मिनट का महाकुंभ टूर्नामेंट के सफल आयोजन में उपाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी, सचिव दिलेश्वर राणा जी, उप सचिव आशीष कुमार वर्मा जी, कोषाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार जी, प्रवक्ता लेखराज जी, टाइगर जी, सोशल किसी भी, चाहे वो शहीद हो, चाहे भगवान हो, अल्लाह हो या कोई व्यक्ति हो, अगर जिस तरह के इमोशन से वो अपने जीवन को जिया है, अगर उसका आप याद करेंगे उस तरह का इमोशन आपके अंदर आएगा। तो ये बहुत अद्भुत चीज है कि हम लोग इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उनके नाम से किए हैं। उस चीज को अपनी जबान से बयान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रांची से चल करके आए हैं उनको जरूर अनुभव हुआ होगा कि रांची और पत्थलगट्टा का फासला 200 और 150 किलोमीटर की दूरी पर पत्थलगट्टा, लेकिन पत्थलगट्टा आज वो पत्थलगट्टा नहीं है। 1857 के क्रांतिकारी का जलवा दिखाया पत्थलगट्टा, जो 1857 में शहीद जय मंगल पांडे, शहीद नादिर अली मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से पूरे भारत में ही बल्कि वर्ल्ड में उनका नाम था। आज तमाम एथलीट की बात कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के खिलाड़ी को रोनाल्डो और मेसी से कम है। अगर यहाँ के खिलाड़ियों को भी संसाधन मिलेगा, यहाँ के खिलाड़ियों को भी अगर हम बेहतर संसाधन उपलब्ध करा पाएंगे, बेहतर मौका उपलब्ध करा पाएंगे, तो ये जो फराटेदार कदमों से बढ़ते हुए जो खिलाड़ी यहाँ पर गोल दाग रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पत्थलगट्टा की धरती से निकलकर गोल दागेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैं आशा रखता हूँ। रोनाल्डो और मेसी कोई खिलाड़ी अगर निकलता है तो ऐसे ही जगहों से निकलता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात मैं बता रहा हूँ, चूंकि खेल की बात है तो थोड़ा एथलीट और खेल की बात करता हूँ। बहुत तेज धावक हुए जमैका के हुसैन बोल्ट, उसके बाद देखिए काफी मात्रा में दर्शक लोग हैं और इसी के साथ मैच आरा भुसाई की टीम ने जीत लिया है। द्वारा आपको मैं पहले सम्मानित करता हूँ, रणधीर कुमार जी, पप्पू रजक जी और हमारे रेफरी आकाश कोराव जी और हमारे इस टूर्नामेंट में जो